हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऐसे 3 लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सबटाइटल सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कोने में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे एक बुक को लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, चैप्टर्स और बुक्स एक लेवल में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह हैं और वे सभी विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। सेल्स को एक छोटे फैक्ट्रीज के रूप में समझें जो ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक सेल को एक विशिष्ट काम करना होता है और वे ऑर्गेनिज्म को ठीक से काम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, मसल सेल्स आपको चलने में मदद करने के लिए एक साथ काम करती हैं, जबकि नर्व सेल्स आपको सोचने और महसूस कराने के लिए एक साथ काम करती हैं। ग्रेट साइंटिस्ट्स। 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे क्रॉक के एक छोटे से टुकड़े को देखा और छोटे हेक्सागनल डिब्बे देखे जिन्हें उन्होंने सेल्स कहा। ये शब्द लैटिन शब्द सेला से लिया गया है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। 1838 में दो और साइंटिस्ट एमजे स्लेडन और थियोडोर श्वान एक थियोरी लेकर आए जिसमें कहा गया कि सभी लिविंग थिंग्स इन सेल्स से बनी हैं और सेल्स जीवन की एक बेसिक यूनिट हैं। ये कुछ ऐसा कहने जैसा है कि यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको ब्रिक्स की आवश्यकता होती है और सेल्स जीवन की ब्रिक्स की तरह हैं। 1855 में रूडोल्फ विरचो ने इस विचार को ये कहकर जोड़ा कि सभी सेल्स अन्य सेल्स से आती हैं। तो नई सेल्स मौजूदा सेल्स द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे नई ब्रिक मौजूदा ब्रिक्स से बनाई जाती हैं। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स। सेल्स छोटी लिविंग थिंग्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स सहित सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं। वे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए साइंटिस्ट एक स्पेशल डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अतीत के एक साइंटिस्ट एंटोन वैन लियोवेनहॉक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करने वाले पहले लोगों में से एक थे। साइंटिस्ट माइक्रोमीटर और नैनोमीटर नामक यूनिट्स का उपयोग करके सेल्स के आकार को मापते हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है और प्रत्येक पार्ट को मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मिलीमीटर को 1000 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन छोटे पार्ट्स में से प्रत्येक को माइक्रोमीटर कहा जाता है। 1 माइक्रोमीटर को 1000 और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें नैनोमीटर कहा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि कोई चीज 1 सेंटीमीटर लंबी है तो ये 10 मिलीमीटर, 10,000 माइक्रोमीटर या 1,00,000 नैनोमीटर कहने के समान है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप है जो छोटी चीजों को देखने पर उन्हें बड़ा दिखाने के लिए लेंस का उपयोग करता है। इससे साइंटिस्ट को सेल्स को डिटेल से देखने और अध्ययन करने में मदद मिलती है। लेट्स ट्राई दिस। प्याज का एक पतला टुकड़ा लें और फोर्सेप्स का उपयोग करके प्याज के अंदर से पतली ट्रांसपेरेंट स्किन को सावधानीपूर्वक छील लें। इस प्याज के छिलके को एक छोटी कांच की स्लाइड पर रखें। प्याज के छिलके को नम रखने और सूखने से बचाने के लिए उसमें पानी की एक छोटी बूंद डालें। इसके बाद प्याज की स्किन पर आयोडीन या इओसिन के पतले सॉल्यूशन की एक बूंद डालें। इससे आपको माइक्रोस्कोप के नीचे
सेल्स को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से पहले कांच की स्लाइड पर प्याज के छिलके के ऊपर एक कवर स्लिप लगा दें। ये प्याज के छिलके को एक जगह पर रखने में मदद करता है और उसे सूखने से बचाता है। अब आप एक कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। 10x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे प्याज की स्किन सेल्स का निरीक्षण करें। वे छोटे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप जैसे दिखेंगे, जिनमें एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये एक टिपिकल प्लांट सेल हैं। सेल साइज। सेल्स कई अलग अलग आकार की होती हैं, जैसे सर्कुलर, रॉड शेप्ड, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर आदि। प्रत्येक सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इन ऑर्गेनेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से डिटेल से अध्ययन किया जाता है, जो इमेजेस को उनके एक्चुअल साइज से 2 अरब गुना तक बढ़ा सकता है। सेल्स 2 मुख्य प्रकार की होती हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। ये सेल्स विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स से बनी होती हैं। प्लांट सेल्स के चारों ओर सेल वॉल की उपस्थिति के कारण उनका एक निश्चित आकार होता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स के विपरीत प्लांट की सेल्स में एक बड़ी वैक्यूल होती हैं। इन सभी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। सेल के 4 मुख्य भाग होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल वॉल। सेल वॉल सेल का सबसे बाहरी कवरिंग है। ये केवल प्लांट की सेल्स में मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, एक प्रकार की पतली कवरिंग होती है। ये बेहद नाजुक और लचीली होती है। यह एनिमल सेल्स की सबसे बाहरी कवरिंग होती है। साइटोप्लाज्म। सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद लिक्विड भाग को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की जगह घेरता है। ऑर्गेनेल्स सेल साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स। इनमें मुख्य रूप से न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स आदि शामिल हैं। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस सेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके चारों ओर एक स्पंज जैसा डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस सेल सभी सेल्स को कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक फैली हुई नेट जैसा है। ये राइबोसोम्स द्वारा उत्पादित प्रोटीन में आवश्यक चेंजेस करते हैं और उन्हें गोल्जी बॉडीज में भेजते हैं। गोल्जी बॉडीज कई चपटी थैलियों से बने होते हैं। इनका फंक्शन प्रोटीन्स का उचित डिस्ट्रीब्यूशन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों बाहरी कवरिंग वाले ऑर्गेनेल्स हैं। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। वैक्यूल्स सेल के वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालने में मदद करती हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटी होती हैं, जबकि प्लांट सेल में केवल एक बड़ी वैक्यूल होती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर अनगिनत लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं। इनमें से वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उन्हें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। अकरेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो हर जगह होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और यहां तक कि हमारे शरीर में भी। उनमें से कुछ अकेले हैं, जबकि अन्य ग्रुप में एक साथ रहते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बचे हुए लेफ्टओवर्स पर जीवित रहते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। एक ब्रेड या भाकरी का एक गीला टुकड़ा किसी बंद डिब्बे में रखें। 3 से 4 दिनों के बाद मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करके इसका निरीक्षण करें। 2 कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे गंदे पानी की एक बूंद का निरीक्षण करें।
3. कांच की स्लाइड पर दही या छाछ की एक बूंद लें और इसे एक कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें. नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि फंगस, जो रोटी या तालाबों में एल्गी के धागों पर उगते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं. हालांकि, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस एक यूनिसेल्यूलर होते हैं. उनकी सेल्युलर स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है. उनमें यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियॉइड ही उनके एकमात्र कंपोनेंट्स हैं. ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है. क्या आपको पता है? हमारी आंखें बहुत कमाल की है, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन भी हैं. उदाहरण के लिए, हम लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन हेयर जितना थिक है. छोटी चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं. एक कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप चीजों को उनके वास्तविक आकार से 1000 गुना तक बड़ा कर सकता है, जिससे हमें बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव देखने को मिलते हैं. लेकिन कुछ चीजें उससे भी छोटी हैं. उदाहरण के लिए, पोलियो वायरस केवल 28 नैनोमीटर बड़ा होता है. इतनी छोटी चीजों को देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जो इमेज बनाने के लिए लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन्स की लाइट्स का उपयोग करता है. हालांकि ये माइक्रोब्स बहुत ही छोटे हैं, फिर भी वे जीवित हैं और जीवन की सभी प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं. वे एक ही सेल के भीतर खाते हैं, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने चारों ओर रिस्पॉन्ड करते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूशंस. पुणे में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है, जो सेल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में रिसर्च में शामिल एक इंस्टीट्यूट है. इस वेबसाइट के पते पर आप उन्हें ढूंढ सकते हो. ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. प्रत्येक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने और फैलने के लिए एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है. कई माइक्रोब्स को अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ माइक्रोब्स ऑक्सीजन के बिना भी बढ़ सकते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे समुद्र तल, पोलर रीजन्स में बर्फ, गर्म पानी के झरने आदि में भी जीवित रहते हैं. जब परिस्थितियां उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो वे अपने चारों ओर एक कठोर शेल बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं और नींद में चले जा सकते हैं. जब परिस्थितियां फिर से अच्छी होंगी, तो वे जाग सकते हैं और फिर से बढ़ना शुरू कर सकते हैं. Where do the microorganisms grow? Microorganisms छोटे लिविंग बीइंग्स हैं, जो खुली आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं. वे विभिन्न स्थानों जैसे मिट्टी, पानी और सड़ने वाले पदार्थ में उग सकते हैं. उन्हें बढ़ने के लिए क्लोरोफिल, एल्गी और ऑक्सीजन जैसे विशिष्ट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. इनके ग्रोथ के लिए टेम्परेचर का रेंज 25 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. उन्हें उनके शेप और जीवन प्रक्रियाओं के आधार पर विभिन्न ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है. इन ग्रुप्स में एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरसेस शामिल हैं. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मिट्टी के दो बर्तन हैं, जिन्हें ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया है. हमने प्रत्येक बर्तन में अलग अलग प्रकार का कचरा डाला. पॉट ए में हम बगीचे का कचरा, गोबर, फलों के छिलके और कागज के टुकड़े जैसी चीजें डालते हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो डीकम्पोज हो सकते हैं. पॉट बी में हमने कांच, स्क्रैप मेटल्स और प्लास्टिक बैग जैसी चीजें डाली, जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होती हैं. 3 से 4 हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि बर्तन बी में कचरा लगभग वैसा ही रहता है, क्योंकि कांच और प्लास्टिक जैसी मटेरियल्स नेचुरली डीकम्पोज नहीं होती हैं. दूसरी ओर पॉट ए में कचरा गायब हो जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी और गोबर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं. जैसे ही वे खाते हैं,
वे कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अंततः कचरा न्यूट्रिएंट्स से भरे मिट्टी में बदल जाता है, जो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह है। कूड़े कचरे के मिट्टी में बदलने की इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ये भी वैसा ही है जैसा सीवेज सिस्टम में होता है, जहां माइक्रोब्स का उपयोग सीवेज में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो जाता है। Can you tell? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। हालांकि मिट्टी और लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में मौजूद कुछ माइक्रोब्स जैसे कि पीज और बीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे कॉम्पाउंड्स में बदल सकते हैं जिनका उपयोग प्लांट्स कर सकते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स द्वारा उत्पादित नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स सॉइल की फर्टिलिटी और उस सॉइल में उगने वाली पल्सेस में प्रोटीन को बढ़ाने में मदद करते हैं। मेकिंग योगर्ट। जब आपकी माँ दूध से दही बनाती है तो वो थोड़ा सा मौजूद दही या छाछ का उपयोग करती है। वो इसे दूध में मिलाती हैं और 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देती हैं। इस समय के दौरान दही या छाछ में माइक्रोब्स तेजी से बढ़ते हैं और दूध को दही में बदल देते हैं। माइक्रोब्स अन्य मिल्क प्रोडक्ट जैसे बटर चीज और छाछ बनाने में भी सहायक होते हैं। एंटीबायोटिक्स। कभी कभी जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में पेनिसिलिन जैसी दवाएं देते हैं। इन दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। वे आपके शरीर में हानिकारक जर्म्स को मारकर उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। एंटीबायोटिक्स कुछ माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। वे ट्यूबरक्लोसिस टाइफॉइड और कॉलरा जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में बड़ी मदद कर रहे हैं, जिनका इलाज पहले करना बहुत कठिन था। हम जानवरों और पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जहां बैक्टीरिया या यीस्ट जैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एक प्रकार के कार्बन आधारित पदार्थ को दूसरे में बदल देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वे हीट पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ते हैं। ये गैसें चीजों को एक्सपैंड कर सकती हैं, जैसे कि जब ब्रेड का आटा फूल जाता है। हम फर्मेंटेशन का उपयोग कई तरीकों से करते हैं, जैसे दूध को दही में बदलना, अनाज या फलों से शराब बनाना और आटे से ब्रेड बनाना। इसका उपयोग एसिड्स विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं बनाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए फर्मेंटेशन एक उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो हमें हर दिन उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करती है। ऑलवेज रिमेंबर। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। हालांकि डॉक्टर की सलाह के बिना लेने पर ये हानिकारक हो सकते हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक्स दवाओं का पूरा कोर्स पूरा करना महत्वपूर्ण है। शरीर दर्द, सिरदर्द, सामान्य सर्दी आदि जैसी बीमारियों के इलाज के लिए हमें खुद से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकती है। यदि आपको कोई डाउट्स या चिंता है तो कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना हमेशा बेहतर होता है। व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन आपके शरीर को बीमारी से लड़ना सिखाती है। यह आपकी इम्यून सिस्टम के लिए एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है, जो आपके शरीर का वह हिस्सा है जो आपको जर्म्स से बचाती है। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत और बेहतर हो जाती है, जिससे आपके बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह यदि आप भविष्य में दोबारा जर्म्स का सामना करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। माइक्रोब्स बैक्टीरिया जैसी छोटी लिविंग थिंग्स का उपयोग वैक्सीन बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उनके कई अन्य उपयोग भी हैं। वे लेदर बनाने, अगावे प्लांट्स से रस्सियां बनाने
और यहां तक कि समुद्र और झीलों में फैले तेल को साफ करने जैसी प्रोसेस में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोब्स का उपयोग फार्म वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और गीले कचरे जैसी चीजों को बायोगैस में बदलने के लिए किया जा सकता है, जो एक प्रकार का फ्यूल और फर्टिलाइजर है जो प्लांट्स को बढ़ने में मदद करता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। जब फूड को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, विशेष रूप से गर्म और नम कंडीशंस में, तो ये बैक्टीरिया और फंगी को बढ़ने के लिए अच्छी जगह बन जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फूड को खराब कर सकते हैं, जिससे उसके कलर, स्मेल और टेक्सचर में बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, आप अचार या जैम की सतह पर जो सफेद मैल या काले पार्टिकल्स देखते हैं, वे मोल्ड हो सकते हैं, जो एक प्रकार का फंगस है। इसी तरह गर्मी में बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने के कारण दूध और मांस भी गर्मियों में जल्दी खराब हो सकते हैं। तो हमें ऐसे खराब फूड का क्या करना चाहिए? सबसे सुरक्षित विकल्प इसे फेंक देना है। ये कहावत हमेशा याद रखे, when in doubt, throw it out, जिसका अर्थ है कि यदि आपको डाउट है कि खाना खराब है, तो हमें उसे तुरंत फेंक देना उचित रहेगा। फूड को खराब होने से बचाने के लिए उसे ठीक से स्टोर करना सबसे अच्छा है। अचार और जैम जैसे खाद्य पदार्थों को ठंडी, सूखी जगह पर रखें और दूध और मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखें। इसके अलावा खाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित कर लें कि फूड में खराब होने के लक्षण तो नहीं हैं। याद रखें, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमेशा फ्रेश और ठीक से स्टोर किए हुए फूड का सेवन करें। फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया छोटे छोटे कीड़ों की तरह होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। वे हमारे द्वारा खाए जाने वाले और वहां उगने वाले फूड में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, वे हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिन्हें टॉक्सिन कहा जाता है। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ये टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, तो आपका शरीर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इससे डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। पैथोजेंस, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। पैथोजेंस छोटे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वे कंटामिनेटेड वाटर, फूड और एयर में पाए जा सकते हैं। यदि हम ऐसे कंटामिनेटेड फूड या पानी का सेवन करते हैं, तो हम अमीबायोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो आदि जैसे एलिमेंटरी कनाल के डिजीजेस से बीमार पड़ सकते हैं। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन वाला कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है, तो पैथोजेंस हवा में भी फैल सकते हैं। एक हेल्दी व्यक्ति उसी हवा में सांस लेने पर ऐसे पैथोजेंस से इन्फेक्टेड हो सकता है और कॉमन कोल्ड, कॉफ, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस आदि जैसी बीमारियों का शिकार हो सकता है। मच्छर कूड़े के ढेर, नालियों, रुके हुए पानी आदि स्थानों पर रहती हैं। मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइसिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर आदि जैसी बीमारियां फीमेल मच्छर के काटने से ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करती हैं। मेक श्योर टू चेक। एक, क्या पानी की टंकी और उसमें मौजूद पानी साफ है? दो, क्या स्कूल में पानी की टंकियां और टॉयलेट्स साफ हैं? तीन, क्या घर के आसपास गमलों, टायरों, डिब्बों आदि में जमा पानी तुरंत निकल जाता है? चार, क्या वाटर स्टोरेज कंटेनर को नियमित रूप से साफ किया जाता है? ऑलवेज रिमेम्बर। एक, ताज़ा और ठीक से ढका हुआ खाना खाएं। दो, उबला हुआ पानी पिएं। तीन, खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखें। चार, अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा और पानी जमा न होने दें। स्वच्छ भारत अभियान। लगभग 80% सभी बीमारियां अस्वच्छता के कारण होती हैं। हमारे आसपास सफाई रखना, कचरा नहीं फेंकना और कचरा ठीक से निपटाना, खुले में शौच नहीं करना,
बीमारियों के प्रसार को रोकने के कुछ आसान तरीके हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसे कई वर्षों पहले पब्लिक स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन की आदतों के लिए शुरू किया गया था। आइए हम अपने स्कूल और पड़ोस में स्वच्छता अभियान शुरू करके इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। क्या आप जानते हो, जब हानिकारक जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम उनसे लड़ना शुरू कर देती है। इस लड़ाई के हिस्से के रूप में हमारा शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। यह उसी तरह है जैसे हम खाना पकाने के लिए गर्मी बढ़ाते हैं और उसमें मौजूद जर्म्स को मारते हैं। शरीर के टेम्परेचर में इस बदलाव को हम फीवर कहते हैं। गर्मी न केवल जर्म्स को मारने में मदद करती है, बल्कि हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बेहतर काम करने में मदद करती है, जो हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं। इसी तरह जब हमें चोट लगती है तो चोट के आसपास का भाग गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर उस भाग में अधिक ब्लड भेज रहा है। कैन यू टेल, अगर बारिश के मौसम में कपड़े गीले रह जाएं तो क्या होगा? गनी बैग्स पर कभी कभी कौन से काले या सफेद धब्बे दिखाई देते हैं? पर्स, वॉलेट, बेल्ट, जूते जैसी लेदर की वस्तुओं को स्टोर करने से पहले हमेशा पॉलिश क्यों किया जाता है? पुराने करेंसी नोट्स या पुराने रबर या कागज पर पाया जाने वाला पाउडर जैसा पदार्थ क्या है? ऊपर उल्लिखित सभी मटेरियल्स यानी गनी बैग्स, कॉटन क्लोथ्स, कागज, रबर आदि प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं और लेदर एक एनिमल प्रोडक्ट है। ह्यूमिड वातावरण में फंगी और कुछ अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वस्तुओं पर ग्रो होते हैं और उन्हें खराब या डैमेज कर देते हैं। इसलिए उन्हें सूखा और साफ रखना आवश्यक है और लेदर आइटम्स के मामले में उन्हें अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ रखना महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।